हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। काफ़ी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। पोस्ट का नाम है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मास्टर्स एंड मिस्ट्रेस के लिए। सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सी सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी आई हुई है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, फाइन आर्ट की, हिंदी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, संस्कृत, साइंस मेडिकल, साइंस नॉन मेडिकल एंड सोशल स्टडीज टीचर की वैकेंसी है। कुल 303 पद हैं, ये रेगुलर बेस पर है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। इसके अलावा जो है कैटेगरी वाइज भी जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम कहें तो 303 में से 136 सीट है। 9 फरवरी 2024 को जो है एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया था, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 26 फरवरी 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, क्लोजिंग डेट 18 मार्च 2024 रखी गई है। बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। कुल पोस्ट अगर हम बात करें तो 303 नंबर ऑफ वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस पर है ये और सरकारी नौकरी है। वैकेंसी जारी की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और यहाँ पर बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकेंगे। पे स्केल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी जो है यहाँ पर लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जनरल साइंस एंड नॉन मेडिकल के लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ में, और BEd आपका होना चाहिए, CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना जरूरी है, या फिर 4 साल का अगर BSc Ed किया है आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास रहा है 50% मार्क्स के साथ में, पेपर 2 आपका CTET क्वालिफाई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होने चाहिए, BEd और साथ में CTET पेपर 2। तो यहाँ पर जो है STET यानी कि आपके राज्य का जो टेट है वो बिल्कुल भी नहीं मान्य है, यहाँ पर CTET ही चाहिए। तो आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं अगर आप CTET क्वालिफाई हैं। सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में, और यहाँ जो सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें से जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर है कि इनमें से केवल 2 सब्जेक्ट आपके कोई भी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी हो सकता है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके हो, साथ में BEd होना चाहिए और CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, पंजाबी के लिए, संस्कृत के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए DPEd या VPEd आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, फाइन आर्ट के लिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट आपका मांगा गया है, डिग्री आपकी मांगी गई है फाइन आर्ट में, होम साइंस के लिए BSc आपके पास होनी चाहिए होम साइंस से और BEd, म्यूजिक टीचर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, म्यूजिक में भी जो है BEd आपकी जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट थे, क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। अभी जो है यहाँ पर सिलेक्शन कैसे रहेगा, तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें पार्ट A 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपके GK के पूछे जाएंगे, मैथ रीजनिंग के पूछे जाएंगे, IT के पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पैडागोजी के पूछे जाएंगे, इसके अलावा लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स आपका पार्ट B रहेगा जो कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं ईच पार्ट, पार्ट A पार्ट B दोनों में अलग अलग 40% मार्क्स आपके लाने जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, और मार्क्स जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कौन से सब्जेक्ट के कितने रहेंगे, तो TGT साइंस नॉन मेडिकल के लिए आप देखें फिजिक्स केमिस्ट्री के 33 33 है, मैथमेटिक्स के लिए 34 है। इसी तरीके से साइंस मेडिकल के लिए बॉटनी और जूलॉजी में 33 33 है, केमिस्ट्री में 34 है। सोशल साइंस में देखें आप पॉलिटिकल साइंस के 25, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25 एंड ज्योग्राफी के 25, यानी कि हर पार्ट में आपकी 25 क्वेश्चन होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कैसे रहेगा, तो एक एग्जाम ही आपको क्वालिफाई करना है, बस इतना ही है। 21 से 37 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे,
एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एससी ओबीसी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी एंड अदर कैटेगरी को मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना होगा। फीस की अगर हम बात करें तो नॉन रिफंडेबल रहेगी, 1000 रुपीज़ आपके यहाँ पर लगेंगे सभी कैटेगरी के, बाकी 500 रुपीज़ एससी कैटेगरी के रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, एससी कैटेगरी को छोड़कर सभी के जो है यहाँ पर 1000 रुपीज़ लग रहे हैं। 18 मार्च 2024 तक आप लोग अप्लाई कर दें, तो कल से ही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था, कैसे आप लोगों को देखना है नोटिफिकेशन। सबसे पहले जो आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, मेन वेबसाइट पर आप लोगों को यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन नज़र आएगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है इस तरीके से आप लोगों के सामने जो है नोटिफिकेशन फॉर एनी नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी मास्टर एंड मिस्ट्रेस, ठीक है। इससे पहले जेबीटी, एनटीटी, स्पेशल एजुकेटर, लेक्चरर, पीजीटी के लिए सभी के जो है जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुए थे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया गया था, तो अभी लेटेस्ट जो है टीजीटी मास्टर एंड मिस्ट्रेस के लिए है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, अप्लाई करने का ऑप्शन भी आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। सबसे ऊपर लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। एडवर्टीजमेंट देखने के लिए सेकंड नंबर पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट 303 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। थैंक यू।